हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एमएक्स प्लेयर में रिलीज़ हो चुकी है रक्तांचल, कल ही तो मैंने देख ली है। एंड कैसी है ये वेब सीरीज़, क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, एंड क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड होते होते मिल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। उसके साइड में जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे आने वाले इस फ्यूचर वीडियोस की। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू, तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो ये कहानी है दो राइवलरी की, जो है विजय सिंह और है वसीम खान। तो विजय सिंह एक अच्छा सा इंसान होता है, मतलब नॉर्मल सा नौजवान है, लेकिन वो क्यों इस मतलब एक डाई हार्ट क्रिमिनल और जो दो नंबर का धंधा करने वाला बन जाता है, और उसकी राइवलरी मतलब वो कैसे बहुत बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है वसीम खान का, यही है इसकी स्टोरी। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले की। तो स्टोरी से ही पता चलता है कि हाई मतलब हार्ड कोर क्रिमिनल ड्रामा होने वाला है इसमें, लेकिन हाई मतलब जो बोलते हैं बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस तो है और क्राइम सीन्स तो है ही, लेकिन स्क्रीन प्ले इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पहले एपिसोड के स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, एंड लास्ट एपिसोड के स्क्रीन प्ले बहुत ही क्रिस्प है और फास्ट पेस है, क्योंकि बहुत कुछ होता है उसमें तो आपको देखने को मिलेगा, एंड जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन और बाकी एपिसोड्स के जो स्क्रीन प्ले है वो ओके ही जाते हैं, और कहीं कहीं पर अच्छे होते हैं, तो स्क्रीन प्ले ओवरऑल ओके ही लगा मुझे। तो अब बात कर लेते हैं कास्टिंग की। तो क्रांति प्रकाश झा जो कि विजय सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका काम बहुत ही अमेजिंग है। उनका लहजा हो गया, उनका जो ठहराव हो गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, बहुत परफेक्ट जाता है विजय सिंह के कैरेक्टर को। एंड निकेतन धीर जो कि वसीम खान का रोल प्ले कर रहे हैं, इस रोल के लिए वो परफेक्ट है। लंबे चौड़े से इंसान, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से, उनके जो एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि ये बहुत ही रूथलेस किस्म का इंसान है, तो इस रोल में वो बहुत ही खरे उतरे हैं। तो दो ही मेन कास्ट है, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे हैं, तो मैंने मेन कास्ट का ही बताया है काम। तो सपोर्टिंग कास्ट की बात कर ले तो उन लोग का काम भी सबका अच्छा ही है। तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो रमित श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्शन भी पार्ट्स में ही अच्छा है। एक्शन सीक्वेंस हो गए, नहीं तो कितने सारे जो डायलॉग बाजी हो गए, कितने सीन्स में होते हैं कि सिर्फ डायलॉग्स ही हैं, तो उस सीन्स में इनका डायरेक्शन अच्छा है, और बाकी सीन्स में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, कहीं कहीं पे बहुत फीका पड़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी की। सिनेमाटोग्राफी एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन प्ले का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। चेजिंग सीक्वेंस में एंड सब जो रियल लोकेशन को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है, तो जैसे कि गली हो गया, मतलब ये पूरा यूपी में शूट है, पूर्वांचल में शूट है, तो ये क्या गली हो गए, नहीं तो छोड़े नुक्कड़, और बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज जो जैसे गांव के जैसे होते हैं, वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, तो सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ओवरऑल मुझे ओके ही लगा। लास्ट एपिसोड के बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर एपिसोड और बाकी एपिसोड से कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मुझे ओके ही लगा। तो अब बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। तो रेटिंग्स इसमें कास्टिंग के काम बहुत अच्छे हैं, एंड अगर आप हाई वोल्टेज क्राइम ड्रामा कुछ देखने के बारे में सोच रहे हो मिर्ज़ापुर के बाद अगर, तो इसमें बहुत अच्छा क्राइम मतलब क्राइम ड्रामा बहुत अच्छे से जो बोलते हैं ना वायलेंस बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन स्टोरी स्क्रीन पे बहुत ही डिप होती है, कहीं कहीं पे आपको बहुत बोरियत लगती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो रेटिंग्स की बात कर लेते हैं, तो रेटिंग्स में 3.5 आउट ऑफ 5 देती हूँ। तो कैसे लगी आपको रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, एंड प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज़ या मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।